सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। संविधान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह बहुत वृद्ध, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। ১৯৫১ से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया है। इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग जैसे 4 के, 9 के, 9 ख और 14 के और 4 अनुसूचियां, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को जोड़ा गया है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे क्या कारण रहे हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के निम्न कारण रहे। पहला कारण, भौगोलिक कारण। भारत का विस्तार और भारत की विविधता ने संविधान को विस्तृत बनाया। दूसरा कारण, ऐतिहासिक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है, जिसके कारण हमारा संविधान बहुत विस्तृत हुआ। तीसरा कारण, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर
और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब सारे देश में एक ही संविधान है राज्यों का। इससे पूर्व कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान हुआ करता था। धारा 370 के हटाए जाने के बाद में राज्यों के लिए एक ही संविधान लागू होगा। चौथा कारण, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभाव। भारतीय संविधान में न सिर्फ मौलिक सिद्धांतों पर ही चर्चा हुई है बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटियों पर छोड़ दिया जाता है उन्हें भारत के संविधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता, ये लचीलापन और कठोरता का समन्वय है। संविधानों को हम नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सके, ऐसा संविधान लचीला संविधान। जिस देश के संविधान में संविधान संशोधन की एक कठोर प्रक्रिया को, विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया को अपनाया गया हो तो वह कठोर संविधान के अंतर्गत आता है, जैसे अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण। लेकिन हमारा संविधान न लचीला न कठोर है बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। हमारे देश के संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं को अपनाया है। जिसमें अनुच्छेद 367 में दो तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। का पहला प्रावधान संविधान के कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। 368 के तहत संविधान संशोधन का दूसरा प्रावधान इस प्रकार है, कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इस तरह से हमारे देश के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में किया गया है और अनुच्छेद 368 में ये दो प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख है। एक तरह
और एक तरह से हम संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के कुछ प्रावधानों को आम विधायी प्रक्रिया की तरह से संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। इस प्रकार हमारे देश के संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है, एक सामान्य विधायी प्रक्रिया, दूसरी संसद के विशेष बहुमत की प्रक्रिया और तीसरा संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अंत। भारतीय संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया जाना। भारतीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है। दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मक व्यवस्था। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय, पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुई किसी समझौते का परिणाम नहीं है, दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्धसंघ, जैसे केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा, मोरिस जॉनसन ने सौदेबाजी वाला संघ, ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा, संविधान की अगली चौथी प्रमुख विशेषता सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर या उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहली वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, दूसरी बहुमत वाले दल की सत्ता, तीसरी विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, चौथी विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, पांचवी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, छठी निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा।